नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसके बारे में आयुर्वेद में कहा जाता है कि ये हमारे लिए एक अमृत है। और उसको अमृत कहने का जो कारण है वो ये है कि हजारों सालों से इसका उपयोग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में किया जा रहा है। तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में ये हमारी मदद करती है। बहुत सारी बीमारियों के लिए ये एक ऐसी मेडिसिन है जो अकेले ही उन बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। और इसी के कारण जो पुराने लोग होते थे वो अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रख पाते थे। और ये जो मेडिसिन होती है ये शरीर के हर ऑर्गन से संबंधित, हर फंक्शन से संबंधित बीमारी को ठीक करने की इसके अंदर पावर होती है। इसीलिए इसको अमृत कहा गया है आयुर्वेद में। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में इसका जो नाम है वो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, और हिंदी में इसे गिलोय या गुडुची कहा जाता है। तो आज मैं गिलोय के बारे में आपसे बात करूंगा कि आखिर ये जो गिलोय है वो किस तरह से हमारी हेल्प करती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गिलोय का जो पौधा होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा लाभदायक पौधा होता है। उसकी पत्तियों का रस जो है वो उपयोग किया जाता है। पान के आकार की पत्तियाँ इसकी होती हैं और उनका रस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बीमारी में। इसका जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। खास तौर से जो क्लिनिकल रिसर्च सबसे ज़्यादा इस पे किए गए हैं वो है हे फीवर में इसका उपयोग, यानी कि वो लोग जिन्हें बार बार सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, कंटिन्यू छींकें आती रहती हैं, हे फीवर जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं, बुखार आने लगता है, सीजनल वेरिएशंस जब होते हैं यानी कि जब मौसम चेंज होता है तब उनको हमेशा सर्दी हो जाती है, गले में दर्द होने लगता है, खाते पीते नहीं बनता है, तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये कंडीशंस में यदि गिलोय का मदर टिंचर यूज़ किया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में मिलते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ना केवल उस समय एक्यूट कंडीशन में उसकी पेशेंट की हेल्प करती है उस बीमारी को ख़त्म करने में, बल्कि आगे आने वाले समय के लिए भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है, जिसके कारण ये जो बार बार हे फीवर होने की यानी कि ये जो बार बार सर्दी जुकाम होने की शिकायत होती है ये ख़त्म हो जाती है। इसका जो दूसरा उपयोग जो देखा जाता है दोस्तों वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखा जाता है। गिलोय के अंदर एक जो इसका खास इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट पाए जाते हैं, यानी कि ये आपके ब्लड शुगर के लेवल को कम कर देती है, जिससे कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को लिपिड बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिन लोगों को कि उनका जो जब वो लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो कभी उनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा निकलता है, कभी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकलता है, HDL, LDL, VLDL, इनमें से कुछ ना कुछ ज़्यादा निकलता ही है। तो गिलोय एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके लिपिड के लेवल को शुगर के लेवल के जैसा ही कम करने की शक्ति रखती है और ये उसको कम करती है। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है वो लोग भी गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आजकल के ज़माने में जैसा कि देखने में आ रहा है कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है और डेंगू के लिए कोई ऐसा एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में होम्योपैथी उनकी बड़ी हेल्प करती है। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में और भी बहुत अच्छी दवाएँ आती हैं जो कि डेंगू को ठीक करने में पेशेंट की हेल्प करती हैं, लेकिन उसी कंडीशन में यदि उसको टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया यानी कि गिलोय का रस देना शुरू किया जाए या गिलोय का मदर टिंचर देना शुरू किया जाए तो ना केवल उसका जो डेंगू का बुखार है वो कम होने लगता है, बल्कि उसकी जो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। सामान्यतः जो डेंगू का जो मुख्य फैक्टर है वो यही है कि उसमें प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो बहुत कम होने लगती है, तब उस कंडीशन में गिलोय का जो रस है या गिलोय का जो मदर टिंचर है वो प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने का भी काम करता है। तो डेंगू के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन ये मानी जाती है। इसके अलावा गिलोय का उपयोग मस्तिष्क के टॉनिक के रूप में भी किया जाता है। जिन लोगों में बहुत जल्दी थकान आ जाती है, जिन लोगों का बहुत लंबा ऐसा वर्किंग शेड्यूल होता है कि उनको घंटों बैठ के एक ही जगह काम करना पड़ता है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, वकील होते हैं, CA होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां चला रहे हैं वो लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिमाग, मेंटल प्रेशर जिनके ऊपर बहुत होता है, थकान हो जाती है, उन लोगों में भी मस्तिष्क की थकान को कम करने का काम करती है और एक टॉनिक के रूप में गिलोय काम करती है। इसके अलावा दोस्तों गिलोय का जो उपयोग है वो गठिया में भी किया जाता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की, गठिया की या
गाउट जिसे कहते हैं, इस तरह की शिकायतें होती हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है जिनको उम्र बढ़ने के साथ साथ, उन लोगों के लिए भी गिलोय का जो मदर टिंचर है, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का जो मदर टिंचर है, वो एक जनरल मेडिसिन के रूप में बहुत अच्छी हेल्प करता है। और इसके पीछे रीज़न है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है। इसके अंदर पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है उन लोगों के लिए भी गिलोय का जो रस है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, गिलोय का जो मदर टिंचर है वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अस्थमा के जो मेन सिम्टम्स जैसे छाती में जकड़न होना, बहुत ज़्यादा खांसी चलना, बहुत ज़्यादा कफ निकलना, ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं इन सबको ओवरकम करने में, यानी कि इन सब में कमी लाने में गिलोय का जो रस होता है या गिलोय का जो मदर टिंचर जिसे टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। गिलोय के रस का इस्तेमाल त्वचा को जवान बनाए रखने के लिए भी किया जाता है, चूंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं तो ये हमारे शरीर को, आपने अगर मेरे पहले वीडियोस देखे हों तो उनमें भी मैं बताता हूं कि जो एंटीऑक्सीडेंट वाले पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर को युवा बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जिन लोगों की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जिनको बड़े मुहासे ज़्यादा होते हैं, जिनके शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम है, उन सभी कंडीशंस में ओवरऑल गिलोय का जो रस है या गिलोय का जो मदर टिंचर है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इतनी सारी कंडीशंस में गिलोय के रस का, गिलोय के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह की यूजेस के कारण ही गिलोय को पुराने समय से अमृत कहा जाता रहा है, एक रसायन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इसका जो डोज है दोस्तों वो है 15-15 बूंद, दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर कुछ लंबे समय तक, यानी कंटिन्यू 1 महीने 2 महीने इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा हमारी बॉडी पे काम करता है, रोगों से लड़ने में हमारी बहुत हेल्प करता है, और ख़ास तौर से जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, जो लोग बार बार सर्दी जुकाम से पीड़ित होते रहते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, चिंता है, उन कंडीशंस में तो गिलोय के मदर टिंचर का, यानी कि टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के मदर टिंचर का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, गिलोय का जो मदर टिंचर होता है वो हमेशा हमें खाली पेट पीना चाहिए, यानी कि जब भी हमें गिलोय का मदर टिंचर पीना हो या टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का मदर टिंचर हमें पीना हो तो हमें या तो खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे पहले इसे पी लेना चाहिए, सुबह सोकर उठने के बाद इसे पी लेना चाहिए, या फिर खाना खाने के लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद हम गिलोय का मदर टिंचर पी सकते हैं। इससे ये जब भी आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालेगा तो अपनी पूरी क्षमताओं के साथ इसका प्रभाव आपके शरीर पर देखने को मिलेगा। ये मदर टिंचर आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।